माशाल्लाह हर सिख बरसते हैं अनवार मदीने में अपना दोनों हाथों को फजा में लगा के बांधो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हर सिख बरसते हैं अनवार मदीने में सुभान अल्लाह जिस रोज से रहते हैं सरकार मदीने में सुभान अल्लाह हर सिख बरसते हैं अनवार मदीने में जिस रोज से रहते हैं सरकार मदीने में और या रब मेरी किस्मत में ऐसा सफर लिख दे या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे मक्के मक्के में करो शहर इफ्तार मक्के में करो शहर इफ्तार मदीने में हजरत मोहतरम ये बुलबुले बाग मदीना चहक रहे थे तो ये महसूस हो रहा था कि गुंबद खजरा निगाहों के सामने है मौसूफ ने अपनी दिलकश और मुतरन्नम आवाज से महफिल को गुले गुलजार बना दिया हजरत ये नाते शायरी कोई आसान काम नहीं है बल्कि मैदान पे इबादत की नहीं बल्कि रियाजत की जरूरत पूरा करनी है इस मैदान में शाहकार फन की जरूरत नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार की जरूरत पूरा करनी है भाई हजरत हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला के सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए एक ऐसे नाते एक ऐसे सारे सलात मदाह खैर और नाम जिनकी नादिया शायरी में कोई भी कुक बुलबुल की चहक सुनो की महक और अफसारों का तरन्नुम पाया जाता है जिन्हें जमाना जिन्हें दुनिया बिलखुसूस शायर नेपाल हजरत मौलाना अलमारूफ हजरत मौलाना महबूब रजा अलमारूफ फारूक नेपाली के नाम से जानती और पहचानती है भाई हजरत दोनों हाथों को फजा में लाना के बस इस शेर के जरिए तर लिया जाए कि रजा का जिक्र रहेगा हर एक जमाने में आग लग गई नजदीकी आसियाने में और जिसे रजा की गुलामी कबूल न हो वो अपना नाम लिखा ले किसी यतीम के अगर आप रात रजा के गुलाम है तो उनकी हाथों पर फिजा में लहरा के मेरे नारा का जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत बस मते आला हजरत फैजान